हाँ माँ, कैसी हो आप? आ गया डायन का फोन। क्या आपकी तबीयत खराब है? अरे माँ, तो डॉक्टर को दिखाओ ना, सरकारी हॉस्पिटल में। अरे माँ, आपको तो अच्छे से पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या हाल होता है। आपको चक्कर काटने पड़ेंगे और डॉक्टर टाइम पे भी नहीं आएगा। मेरी मानो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, वहां अपना इलाज करवाओ। कितने पैसे मांग रहा है माँ आपसे? 20,000। कोई बात नहीं, मैं आपको कर देता हूँ 20,000, ठीक है? आप अपना इलाज करवाओ बस। हाँ, मैं कर रहा हूँ। क्या हुआ माँ को, फिर से तबीयत खराब हो गई? और क्या बोल रहे थे तुम कि अपनी माँ को 20,000 रुपए दोगे? लाओ इधर, कोई जरूरत नहीं है माँ को पैसे देने की। अरे पर माँ की तबीयत खराब है तो उन्हें पैसा भेजना जरूरी है। उनकी तबीयत तो रोज खराब होती रहती, तो रोज पैसे दोगे क्या? और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि घर के कितने खर्चे हैं। तब तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ, और जब तुम्हारी माँ पैसे मांगती है तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरी बात सुनो, तुम जो अपने लिए पैसे मांगती हो ना, तुम सिर्फ फिजूल खर्चे के लिए मांगती हो, लेकिन यहाँ बात माँ के इलाज की है। अगर उनको मैंने पैसे नहीं भेजे तो उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। हाँ तो क्या हुआ, मेरे कोई फिजूल खर्चे नहीं होते। 1 साल हो गया तुमने मुझे शॉपिंग नहीं कराई है। और वैसे भी यहाँ पे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जहाँ पे अच्छे से इलाज होता है। तुम ना अपनी माँ का वहाँ पे भी इलाज करा सकते हो, दोनों हॉस्पिटल सेम होते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ को तो खर्चे कराने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, है ना? तो तुम क्या चाहती हो, कि माँ को पैसे ना भेजूं मैं? बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम माँ को पैसे मत दो, क्योंकि हमारे घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर तुमने पैसे दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह रही हूँ। ये लो अपना फोन और माँ को फोन करके बोल दो। हेलो। हाँ माँ, माँ मुझे माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। हाँ, वो मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं दे सकता, सॉरी माँ। मिल गई शांति तुम्हें? मना कर दिया मैंने माँ को। हाँ भाई, कैसे हो? क्या क्या हुआ माँ को, वो ठीक तो है? अरे तू टेंशन मत ले, मैं उनसे बात करूंगी, वो पैसे दे देंगे, तू बस माँ का ध्यान रख। ओके बाय। इसका मतलब उनके पास उनकी माँ का नहीं, मेरी माँ का कॉल आया था। सुनो, जो कॉल आया था वो मेरी माँ का कॉल आया था? हाँ, तुम्हारी माँ का फोन आया था। मैं क्या सोच रही थी कि तुम ना माँ को कुछ पैसे दे दो, क्योंकि माँ को सच में पैसों की बहुत जरूरत है, उनकी बहुत तबीयत खराब है। एक बात बताओ, इतना हृदय परिवर्तन तुम्हारा आखिर कैसे हो गया, वो भी इतनी जल्दी? वो ईशान। अरे चुप करो, मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ बात मेरे माँ की नहीं हो रही है बल्कि तुम्हारे माँ की हो रही है। अभी जब थोड़ी देर पहले तुम्हें लगा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है तो तुमने मुझे इतने बहाने दिए कि पैसे नहीं भेजने, लेकिन अब जब तुम्हें पता चला कि यहाँ तो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम कह रहे हो कि पैसे भेज दो। अब कहाँ गई तुम्हारी बातें कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारे लिए मैं पैसे नहीं देता हूँ, तुम माँ के लिए नहीं भेजने चाहिए। तुम माँ को नहीं भेजना चाहिए ना मुझे पैसे, तो नहीं भेजूंगा मैं। ईशान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, वो बस मैंने बोल दिया। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, तुम्हारे लिए अपनी माँ तो बहुत कुछ है, लेकिन जब मेरी माँ की बात आती है तो पैसे नहीं भेजने। क्यों, तुम्हारी माँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी माँ कुछ भी नहीं? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं देने के लिए, समझी? देखो ईशान, तुम शांत हो जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने जाने जाने में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि माँ की कितनी तबीयत खराब है, और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, भाई भी छोटा है। प्लीज तुम पैसे दे दो कुछ, ताकि माँ का इलाज हो सके। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, समझी? लेकिन ईशान, मेरी बात तो सुनो ईशान। भाई तू टेंशन मत ले, मैं तुझे शाम तक पैसे दे दूंगी, तू बस माँ का ध्यान रख।
क्या सच में? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। तू माँ का ध्यान रख, मैं तुझसे करती हूँ बात।